स्वागत है आपका न्यूज सिटी नेशन में। आज सरदार चरणजीत सिंह चन्नी का सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ भव्य स्वागत। जोश से लवरेज लोगों की आओ देखे झलकियां। पठानकोट से अक्षय कुमार की रिपोर्ट। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम तो रैया मेरा नाम हो रहा है। सुन लो मैं जिते भी जाता है अजय रात अभी रात में बहुत स्नेहा कर समुद्र लोग इकट्ठे होकर खड़े मैं जिते भी जाता लोग इस तरह आते इस तरह मेले में चले होंगे बीजेपी वाले आम आदमी पार्टी वाले है अजकल रैलियां तो लोग इस तरह जमे जाते हैं जिम्मे भोग पर चले होंगे बाकी पार्टियां का सारे जने हूँ कट्ठे हो लगे हुए हैं कि कट्ठे होके दबारो कले कले से तो दबदा नहीं मैनू भी आही एक मौका मिलना थानू भी आही एक मौका है इन संभालियो तगड़े होके जो ये पिता ने इस इलाके वास्ते कुर्बानियां कीतियां और मेहनत कराई ओदा मुल मोड़न दा अधिकार आया है बड़े इलाके 15 साल तो एक मैंबर चले आ रहे हैं बीजेपी का जिन्हें तुम जिताए गए लेकिन पता नहीं तो मोल छुपड़ी लगी हुई है पता नहीं उन्हें 15 साल मोल लाया पाया हुआ सी मोल रखा हुआ सी कि मोल वक्त सीगा एक दिन भी मां का पुत्र विधानसभा खड़ा होकर बोलिया नहीं थोड़ी कोई गल नहीं की थी कोई एक दिन मैं भी 15 साल तो मेंबर है वो भी 15 साल तो मेंबर है कोई एक दिन एक हो सकता जाए शायद एक बार एक तो मिनट बोलिया सी नहीं तो कोई गल वो विधानसभा खड़ा होकर वो करी होवे उन्हें मैं कहना मैं नरेश पुरी नूं कह दांगा तू बैठ जा यार उसनूं फड़ जा अरे थोड़े हल्के की कोई मंग कोई समस्या कोई प्रॉब्लम कोई विकास की गल उन्हें विधानसभा दे विच नहीं रखी शेम शेम देखो सानू विधानसभा दे विच तां अजिहे बंदे सूट करदे आ कोई गूंगे जे जाके बिठा लो दूई बार दूई तीन बोलदी नहीं लेकिन हल्के वास्ते इन्हां बंदियां ने कुछ नहीं कीता कोई गल इन्हां ने मनाई नहीं कोई विकास का काम करिया नहीं अज मेरे पास आ दस मंगा थोड़िया नरेश पिंडियां दित्तियां
यूनिवर्सिटी बने तीन महीने इधर मुख्यमंत्री रहा दो कार्य बने हर साल अपग्रेड हो रहा है हर घर चौड़िया हो रही है लेकिन इस बंदे ने कर तो मैं बेनती करना चाहता है सालों का तीन महीने से मौका मिले तीन महीने के बीच बड़े बिजली के बकाए माफ करते तीन महीने के बीच बड़े बिजली के रेट घटाते हैं तीन रुपये सस्ती की बिजली हूँ बिजली का बिल तुम देख लो हर घर में 1,000, 2,000, 4,000, 5,000 का फायदा होया तीन रुपये सस्ती की बिजली पानी के थोड़े पुराने बकाए माफ करते देने नहीं है कानून बनाता है अगे नु 50 रुपये रेट करता जाए 250 रुपये तक डीजल 10 रुपये 5 रुपये सस्ता किया है पेट्रोल 10 रुपये सस्ता किया है तेल पुआ जाओ तो 7 लीटर पुआ 100 रुपया मौके पर बच गया रेता खंड पर 5.5 रुपये करता 22 रुपये मिलता ये राहत दिखी है दोनों सिर्फ 3 महीने के जनरल कैटागरी कमीशन बनाता हर वर्ग को राहत मिली है सब नु बराबर रखे है ऐसा चाहू राज में जहां मिले सभी को अन्न छोट बड़ो सब सम रहे रविदास रहे प्रसन्न तो सत्कार योगी हो मैं थोड़ी बेनती करना है कि इस वीडियो में जज्बा है एक जोश है एक सोच है ते तुहाड़ी सेवा करना चाहता है इन जो तुम एक मौका दे दोगे ऐसी दोनों जने भरा है बड़ा प्यार है साडा अज तक 15 साल मैं 5 साल हो गए शायद 6 साल 6 साल पहले इन्होंने घर भी आके गया थी कोई नवी दोस्ती नहीं है सानू दोनों बच्चे बना के जोड़ लो पंजाड़ी पा लो चाहे हार पाई जाए चाहे सौगा पाई जाए आई काम आने वाले है केजरीवाल हूँ आए पता नहीं बच्चे क्या होंगे ना पता सौगा क्या होंगे ना पता पंजाड़ी क्या होंगी उल्टा मैं कहना यह आम आदमी नकली है मैं क्या पंजाब कदे पिछू खेले है कदे गुल्ली डंडा खेले है कदे बंदर किली पता क्या होती है यार अजे गोल चक्कर भी खड़ा दे जुत्ती में पैरियां होती है और सारी झूठ पर बुनियाद रखना चाहते एक तरफा हो गया पंजाब तेरा बुखलाहट आई भी है रोज बैठा झूठ बोली जाता है कदे कोई एलीगेशन लगा कदे कोई एलीगेशन लगा इतने तक मेरी जायदाद कहना जी 170 करोड़ है मैं क्या यार ऐ करो फिर चाहे चाहे तो आ जाए तो भी चाहे आ जाए केजरीवाल चाहे भगवंत मान मेरे नाल अपनी जायदाद लगा लो मेरे वाली ले लो अपने वाले दे तो मैं बेनती करना चाहना कि आज जड़िया गल् कही अपने वास्ते कुछ भी नहीं है ये सारे मसले मैं हल कर देने तुम मेरे के आने से पहले कह रहे थे घर घर के कहने चंडीगढ़ मसले कुछ भी नहीं है एक गल होर गल दस देना तुम हूँ MLA को वोट नहीं पानी तुम्हें मंत्री को वोट पा किसानों की 27,000 एकड़ जमीन जगरात वाले ने लई है ये वापस तुम देने सरकारी रेट फिक्स करके
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੈਮ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਕਰੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੀਵਰੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਈਓਵਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਜਾਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਥ ਕਾਰ ਬਣਾ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ 100 ਬੈੱਡ ਦਾ ਹੱਥ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤਸੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਨਰੇਸ਼ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਚੋਂ ਦੇਖਿਆ ਬਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਹੱਬ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕ ਟੂਰਿਸਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣ, ਇੱਧਰ ਆਏ ਹਿਮਾਚਲ ਚ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਘੱਟ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇੰਨੇ ਮੁਖਲਾਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਨੇ ਉੱਤਰ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜ੍ਹਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਣ ਬਾਣ ਤੋਂ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਵੀਰੋ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਹਤ। ਸਿੱਖਿਆ ਫਰੀ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਦਿਆ ਫਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਸੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਇਸ ਲਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ BC ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਚੁਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੀਸਾਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਣ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੀਸਾਂ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਅੱਜ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੋ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਤੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਬਕੇ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।